देखो क्या दिया है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल ऑफ रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर लॉन्ग। आपको रेजिस्टेंस पूछा है रेलवे ट्रैक का, और उसकी जो लेंथ दी हुई है वो 20 किलोमीटर की दी हुई है, लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर दिया है तब का उसका 20 डिग्री सेल्सियस। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जो जो गिवन है हम लिखते जाते पहले, तो हमें इसकी लेंथ दी हुई है। देखो रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर का है, तो रेल की लेंथ भी कितनी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल ऑफ द रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर। अच्छा यानी वो लेंथ हुई 20 किलोमीटर, किलोमीटर के मीटर किए तो 20 × 10⁻³ किलोमीटर से मीटर करते हैं, मींस मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1000 मीन्स 10³, दैट इज मीटर। देन लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया आपको 20 डिग्री सेल्सियस का। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका। टेक्स्ट बुक का फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है तुम्हारा, क्वेश्चन 4 में का। देन एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के मीटर करो कितना आएगा, सेंटीमीटर के मीटर माइनस टू का पावर टू कितना होता है, -4, यानी 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड द रेल इज मेड अप ऑफ स्टील हैविंग रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस एज 6 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी दी हुई है आपको, यानी क्या दिया है, दैट इज रो इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आर इज इक्वल्स टू हाउ मच। क्या लोगे फॉर्मूला क्या लोगे, क्या है फॉर्मूला आर का, रो एल अपॉन ए डालो फिर सारी वैल्यू, 6 × 10⁻⁸, लेंथ दी हुई है आपको 20 × 10⁻³, एंड एरिया भी डायरेक्ट दिया हुआ है 25 × 10⁻⁴। करो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, करो। और ये -4 ऊपर गया तो +4 हो जाएगा, +4 और ये 3, ये प्लस में ही जाएगा, 4 + 3 = 7, 7 - 8 दैट इज -1, हे 5 × 20 आणि फिर पॉइंट आणि 5 × 8 = 40 × 10⁻⁴ एक डेसिमल आगे शिफ्ट किया, करेक्ट बेटा, आगे शिफ्ट किया तो 0.48, एक डेसिमल आगे शिफ्ट किया तो 10⁻+1 होगा और ये 10⁻-1 गेट कैंसल, दैट इज ओहम। लिखो एक प्रॉब्लम, अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिखना है, अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड 30 ओहम रेजिस्टेंस एंड 30 ओहम रेजिस्टेंस इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच अंटिल इट्स न्यू लेंथ इज 3 times its original length. 3 times its original length. Find its resistance. Find its
रेजिस्टेंस। पढ़ो उसे अच्छे से, बताओ मुझे गिवन। रेजिस्टेंस हमें 30 ओम का दिया है इस वायर का, फिर उसकी लेंथ जो है वो पहले लेंथ के 3 टाइम्स है। एल टू इज इक्वल अलग आंसर तुझे 270 ओम, 270, 270। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टन्स म्हटलंय, न्यू का कारण हे लेंथ वाढल्यानंतर त्याच्या रेजिस्टन्स वर काय इफेक्ट होतो आहे तो काढायचा तुम्हाला। हा ना मग काय होतो, कितीने वाढतो तो काढायचा आहे ना आपल्याला, वाढणार तर आहेच कारण रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक आहे, कुठे होतो आपण, काय काढायचं होतं आपलं, रेजिस्टन्स, न्यू रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचं। तसं तर याचं डायरेक्ट आन्सर येते, रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ जर घेतो म्हटलं आपण इथे, तर 3 टाइम्स एल होते, तर ते जर पुटअप केलं तर 3 3 3 90च होतात, पण नाही याच्यावर येणार नाही मग, याच्यावर जाणार नाही मग। कारण लेंथ जर इथे वाढत असेल तर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होतो, त्यांनी एरिया कॉन्स्टंट असं काही दिलेलं नाही आहे आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये की एरिया ॲज इट इज राहील म्हणून। तर इथे इनिशियल एरिया जर इनिशियल एरिया इज A1 अँड फायनल इन्क्रीज झालेला जो एरिया असेल तो फायनल एरिया बी A2 असं जाईल याच्यात, म्हणजे एरिया पण चेंज होईल। मटेरियल सेम आहे, तोच वायर ओढलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याची रेजिस्टिव्हिटी जी असेल ती सेम राहील, रेजिस्टिव्हिटी मध्ये काही चेंज होणार नाही। ठीक आहे, तो फिर हमारा जो फॉर्मुला जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, दैट इज आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इस हिसाब से अगर हम लेते हैं तो आर एल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ए को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और A को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, 1/2 L1 अपॉन L2 लिखूँ या L2 अपॉन L1 लिखूँ, बताओ जल्दी से। और यहाँ पे A2 अपर A1, देखो इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वायर तो एज इट इज ही रहेंगी ना। अगर मैं इसका वॉल्यूम, इस छोटी वायर का वॉल्यूम लू या इस बड़े वायर का वॉल्यूम लू, उसे स्ट्रेच किया है ना, तो वॉल्यूम तो एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं गिरेगा। क्योंकि मैं अगर 10 ग्लास पानी एक जार में भर दू तो 10 ग्लास पानी का जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही जार का वॉल्यूम, जार में के पानी का वॉल्यूम रहेगा। तो यही वायर सिर्फ उसने स्ट्रेच किया, तो इन दोनों का वॉल्यूम कैसे रहेगा, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू V2, ऐसी कंडीशन आएगी। और वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला है आपको पता है, दैट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, जो मैंने बहुत बार बताया आपको, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेकिन यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 और ये 2, अगर मैं इस पे से सॉल्व करूँ तो ये इसके अपॉन में चला जाता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू, और ये इसके अपॉन में आता है, दैट इज L2 अपॉन L1, और आपके पास L2 है। यानी या फिर मैं इस प्रॉब्लम में इसे अगर सॉल्व करने, ये क्या हुआ, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ इसका, क्योंकि मेरे पास A2 अपॉन A1 है, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ, A2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ऐसा आता है। तो मैं इस A2 अपॉन A1 के जगह इस L1 अपॉन L2 को डाल सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ
तो इक्वेशन वन बिकम्स, ये इस टाइप के हो सकते हैं आपके नेट में आते हैं प्रॉब्लम, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, और इस A2 अपॉन A1 के जगह ये वैल्यू डालने वाली हूँ मैं, दैट इज L1 अपॉन L2, यानी प्रॉब्लम क्या हुआ, दैट इज L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। अब डाल दो वैल्यू, L1 अपॉन और L2 की वैल्यू 3, आपकी 3 टाइम्स L1, इसका स्क्वायर, ये L1 L1 गेट कैंसल, दैट इज 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9। R1 आपके पास दिया हुआ था 30 का, आपको फाइंड आउट करना था R2, इसका मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो R2 इज इक्वल्स टू 9 3 जा, दैट इज 270 ओम। समझ में आया? इस प्रॉब्लम में आपको दिया नहीं था कि एरिया सेम है करके, या आपको लगाना था दिमाग कि भाई इसने लेंथ खींची है तो एरिया तो बढ़ गई। हाँ, उसमें अगर दे दिया जाए कि एरिया रिमेंस कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है, इसने दिया है तो आप डायरेक्ट, फिर आपको फिर ये करने की जरूरत नहीं थी, यही फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया तो निकल जाता, L1 अपॉन L2 हो जाता, सिर्फ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ऐसा होता, और L1 अपॉन L2, तो उस पे से अगर आप उसका रेजिस्टेंस निकालते थे तो वो तो डायरेक्ट 90 आता था। और रिपीट करते बेटा, प्रॉब्लेम मध्ये गिवन काय दिलं होतं तुम्हाला की सुरुवातीला त्या वायरचा रेजिस्टन्स 30 ओम्स आहे, नंतर त्यांनी या वायरला अशी स्ट्रेच केली, जब इस वायर को उसने स्ट्रेच किया तो ये जो लेंथ है इस ओरिजिनल लेंथ के 3 टाइम्स हो गई, तो आपको इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, यानी पहले स्ट्रेच होने वाले वायर का। अब सपोज मैंने बोला कि जो हमें स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस दिया था वो R1 इज 30 ओम का, और फिर आपको ये स्ट्रेच होने के बाद इसका रेजिस्टेंस निकालना था R2। अब यहाँ पे लेंथ अगर बढ़ जाती है तो एरिया, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें एरिया दिया नहीं था कि कांस्टेंट है करके, तो इन दैट कंडीशन इसका एरिया A1 होगा तो इसका एरिया A2 होगा, ठीक है। साथ में इन दोनों वायर एक ही मटेरियल का होने के कारण रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं गिरेगा, मटेरियल सेम है ना, हमने पहले ही बोला है कि रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज होगा, अगर ये सपोज कॉपर की होती और ये एल्यूमिनियम की होती तो फिर रेजिस्टिविटी चेंज होती, लेकिन यहाँ पे मटेरियल सेम है, उसी वायर को उसने खींचा है सिर्फ, ठीक है। और हमारा आर का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, उस पे से R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, एरिया इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो A2 अपॉन A1 ऐसा फॉर्मूला होगा, तो हमने ये डाल दिया यहाँ पे, दैट इज A2 अपॉन A1, हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया। हमारे पास एरिया नहीं था प्रॉब्लम में, तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए मैंने मैंने ये बोला कि सपोज इसे खींचा भी जाए तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो V1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V2, वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला है दैट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मैंने वो डाल दिया एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दैट इज इसको मैंने इसके अपॉन में लेके आई और इसको इसके अपॉन में, आप उल्टा भी कर सकते थे, आपको A2 अपॉन A1 चाहिए तो ये इसके अपॉन में लेके जाओ, ये इसके अपॉन में लेके आओ, तो ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 हो गया। मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि मुझे A2 अपॉन A1 की वैल्यू चाहिए थी, तो A2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, मैंने यहाँ पे डाल दी वो L1 अपॉन L2, तो ये इक्वेशन बना आपका R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 इंटू L1 अपॉन L2, तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और L1 आपको एज इट इज है लेकिन L2 आपके प्रॉब्लम में दी है, दैट इज 3 टाइम्स L1, ये L1 L1 गेट कैंसिल किया, 1/3 का स्क्वायर, एंड 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/9, और R1 आपको दिया था, R1 इज 30 ओम अपॉन R2, इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो R2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज 270 ओम। ओके, डन। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। आपको ये पता है कि अगर टेम्परेचर वैरी होता है तो रेजिस्टेंस भी वैरी होता है, टेम्परेचर वैरी होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होते जाता है, वैरी होता है, क्योंकि
आप एट अ गिवन टेम्परेचर, आपने बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेन, एट अ गिवन यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर और ओम्स लॉ भी तभी ओबे होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं उसका टेम्परेचर ही बदल दूँ, तो इन दैट कंडीशन तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे हम एक कंसिडरेशन करते हैं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर विल बी टी नॉट। टेम्परेचर कितना होगा? टी नॉट। एंड एट जैसे वो इंक्रीज होगा टेम्परेचर, हम बढ़ा रह रहे हैं तो 0 डिग्री से ऊपर, तो लेट करके लेट टी बी द इंक्रीज इन इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, तो हम इनिशियल रेजिस्टिविटी उसकी ले लेते हैं, यानी एट 0 0 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैं ऐसा करूँ क्या, एक टेबल बनाती हूँ, ये 0 डिग्री सेल्सियस है और सपोज ये इंक्रीज टेम्परेचर है। यहाँ पे ये टी ले रहे हैं हम, इंक्रीज टेम्परेचर टी से डिनोट कर रही हूँ। रेजिस्टिविटी जो है आपकी स्टार्टिंग की, उसकी रेजिस्टिविटी रो नॉट से डिनोट कर रहे हैं हम, और इंक्रीज होके जो रेजिस्टिविटी बढ़े चेंज होगी उसकी, वो कैसे डिनोट कर रहे हैं हम? रो से। तो देखो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला ले रही हूँ मैं, और ये आपको आगे चल के आपका जब थर्मल एक्सपांशन करके चैप्टर आएगा उसमें आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। तो अभी तो मैं डायरेक्ट डालूंगी ये फॉर्मूला। तो इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टी। ये एक्सपांशन का फॉर्मूला है कि क्योंकि जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में एक्सपांशन होगा। अब यहाँ पे जो एक्सपांशन होगा वो रेजिस्टिविटी के टाइप में होगा, तो रेजिस्टिविटी में चेंज होगा। तो रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जा रहा है, रो नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टी। डेल्टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज टी माइनस टी नॉट। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टी इज टी नॉट माइनस टी। ठीक है, अब हम इस स्पेस से, व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ नहीं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, तो मैं ये जो रो नॉट है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये इसके अपॉन में आ जाता है, यानी रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला ऐसा बनता है, 1 प्लस अल्फा टी नॉट माइनस टी। ये 1 अगर यहाँ पे आ जाए तो ये माइनस में आता है, ये 1 यहाँ पे आ जाए तो माइनस में आता है, यानी रो अपॉन रो नॉट माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा टी नॉट माइनस टी। मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, इसका डिनोमिनेटर 1 ले लूँ, तो ये ऐसे बनेगा, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी नॉट माइनस टी। मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, ये इसके अपॉन में आया था, दैट इज टी नॉट माइनस टी। तो दैट इज द अल्फा, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर प्रॉब्लम में रेजिस्टिविटी दी जाए तो यही फॉर्मूला, रो माइनस रो नॉट इंटू टी नॉट माइनस टी। व्हाट इज रो नॉट? इज द फाइनल रेजिस्टिविटी, दिस इज इनिशियल रेजिस्टिविटी, दिस इज फाइनल रेजिस्टिविटी, दिस इज इनिशियल रेजिस्टिविटी, दिस इज इनिशियल टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कौन सा है उसका फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, इसी पे से आप रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला बना सकते हो, अगर इसके रेजिस्टिविटी में चेंज हो रहा है ना, उसके रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, तो इसी पे से रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो यही फॉर्मूले से ऐसा निकलता है, आर माइनस आर नॉट, यानी
आर नॉट इज द आर इज द फाइनल रेजिस्टेंस एंड आर नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस एट टी जीरो टेम्परेचर, जीरो डिग्री सेल्सियस पे, ये बढ़े हुए टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हुआ, अपॉन ये रो नॉट के जगह फिर से आर नॉट एंड दैट इज टी नॉट माइनस टी। ऐसा ही आप किसका निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस का। यानी इसी फॉर्मूले को हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल टी, ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है। क्योंकि जो एक्सपांशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, कहीं पे एरियल एक्सपांशन होता है, कहीं पे वॉल्यूम वाइज एक्सपांशन होता है, कहीं पे लेंथ वाइज एक्सपांशन होता है, कहीं पे रेजिस्टिविटी वाइज एक्सपांशन होता है, कहीं पे रेजिस्टेंस वाइज भी एक्सपांशन। कैसे एक्सपांशन होता है उस पे वो वैल्यूज क्रिएट, ये तो फिक्स रहता है, ये नॉट भी फिक्स रहता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू भी। लेकिन वो जो जिस पे चेंजेस हो रहे हैं वो डाला जाता सिर्फ यहाँ पे, एरिया अगर चेंज होता होगा तो इस एरिया पे ए इज इक्वल्स टू ए नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टी, सिर्फ ये एक्सपांशन की वैल्यू हम अलग अलग, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बोल रहे हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो फिर वहाँ पे एरियल कोएफिशिएंट, अगर वॉल्यूम वाइज रहा तो वॉल्यूम कोएफिशिएंट, ऐसा बोला जाता है। बाकी कुछ नहीं है उस फॉर्मूले, हो फाट फोटो टाकते में, बाकी इसमें कुछ नहीं। हमें याद सिर्फ यही रखना है कि इसमें से ये जो फॉर्मूला है उस पे से हमने जो अल्फा का फॉर्मूला निकाला वो कैसे आया, दोनों टाइप में, ये रेजिस्टिविटी के टाइप में है और ये रेजिस्टेंस के टाइप में, दैट इज रो माइनस रो नॉट इंटू टी नॉट माइनस टी, टी नॉट माइनस टी यानी डेल्टी, और डेल्टी मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये अगर लोगे तो ये फाइनल माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी होता है, यानी ये हम इसे डेल रो भी लिख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी इसको मैं डेल यू भी लिख सकती हूँ, सॉरी डेल आर भी लिख सकती हूँ, अपॉन ये आर नॉट एज इट इज, और इसे मैं डेल टी भी लिख सकती हूँ। व्हाट इज डेल आर, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, व्हाट इज डेल टी, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। आपके इसमें वैसे उसको डी आर अपॉन डी टी लिखा है, डेल की जगह डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि ऐसे दिया हुआ है, डेल भी लिख सकते हो डी आर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डी आर अपॉन डी टी, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा मीनिंग होता है इसका, ठीक है। और ये वन अपॉन आर नॉट, चेंज इन रेजिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल, डी टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसा कंसेप्ट जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है?